तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे एग्जाम की, आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। देखिए आरओ एआरओ प्री और यूपीपीसीएस प्री। देखिए 7 से 8 दिसंबर आरओ एआरओ का बताया है, ठीक है, और 22 से 23 दिसंबर को पीसीएस प्री बताया यूपीपीसीएस का, ठीक है। लेकिन ये दोनों एग्जाम हम लोगों की दिक्कत क्या है, 2 शिफ्ट में बताया था, 2 शिफ्ट। ये भी आरओ एआरओ को चल जाएगा, फिर भी 2 शिफ्ट में चल जाएगा, लेकिन जो वन डे एग्जाम हम लोग की डिमांड है यूपीपीसीएस की, वो भी 2 दिन की। इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम सभी स्टूडेंट इसमें बिल्कुल राजी नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी सारा हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, कैंडल मार्च की थी, लेकिन आज ये बात नहीं मानी है और अभी तक कुछ समझ में नहीं आया क्या होगा। मंथ में ये दोनों एग्जाम कैसे होंगे और आयोग बताओ, अभी जो हम 27 अक्टूबर की बात कर रहे थे, 7 अक्टूबर नवंबर नंबर का पूरा महीना था, फिर भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। 2 दिन में होगा। यहाँ हम लोग जो प्रयागराज में रहकर इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्च करते हैं, जो करता है उसको पता चलता है। हम लोग यहाँ पर मानसिक तौर पर भी ग्रसित हो रहे हैं बीमारियों से, हेल्थ खराब हो जाती है। हम ये लोग दो दिन का कभी ये डेट कभी वो डेट मेहनत करता है, जिसका टाइम वेस्ट हो रहा है उसे पता है कि हम लोग कितने प्रॉब्लम झेल रहे हैं, हम लोग कितनी मुसीबत में हैं, जो जान रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, एज हम लोग की निकलती जा रही है। और आप बात करते हैं जैसे कि आर ओ ए आर ओ और यूपीपीसीएस, हम लोग चाह रहे हैं सब 2 दिन का जो पेपर है वो 1 दिन में हो, 1 शिफ्ट में हो। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम 1 दिन में चाहिए, हमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। और दोस्तों इसी के तहत आप लोग लगे हैं, विश्वास माने आपकी जीत होगी, जो सही होगा उसकी जीत होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिस जो इस हक के लायक हैं उसको ये हक मिलना चाहिए। आप लोग प्रोटेस्ट करें। और एक बात बताएं, जैसे कि आपका एक प्लान बी भी होना चाहिए। काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में आईएएस भी बने, रिजाइन किया और आगे चल के बहुत कुछ बड़ा किया, वो भी कहते हैं प्लान बी रखें। और इसी के तहत हमारी जैसे मेरी जैसी काफ़ी सारे सिस्टर्स वगैरह होंगे, काफ़ी सारे भाई बहन होंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, पैसे के मोहताज हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं मिल रहा हो। काफ़ी सारे लोग जॉब में लगे हैं फिर वो काम करें, लेकिन जो बिना जॉब के पैसे नहीं है वो कैसे तैयारी करें। इसलिए आप भी कुछ करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसमें लगे रहोगे और फिर वो नहीं कर पाओगे, आप 2 पैसे नहीं कमा पाओगे, तो आपको बाद में पछता होगा, क्योंकि 2 पैसे होंगे तो आप अच्छी अपनी किताबें ले सकोगे, आप पढ़ सकोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप प्लान भी रखें मेरी तरह। मैंने ये यूट्यूब चालू किया है और काफ़ी सारे प्रेरित, मेरा हमेशा से रहा कि मैं एक एजुकेटर बनूँ, दूसरों को गाइड करूँ, जिस ऑनलाइन फ्री वीडियो अपलोड कराऊँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट बनाए रखें। और आप लोग भी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। एजुकेशन काम रहेगा, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आपके प्लान भी, मतलब आपका जो 2 पैसे कमाने का सपना वो भी पूरा होगा और आपकी पढ़ाई भी। इसी तरह मैंने स्टार्ट किया और मैं जानती हूँ कि मेरी जैसी काफ़ी बहनें हैं जिन्हें शादी के प्रेशर मिलता रहता है घर से, काफ़ी सारे भाइयों को, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग बस चिंता ना करें, ठीक है। यू पी सी एस वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग उनका तो 2 दिन का, पर आप लोगों का स्टूडेंट के पास इतनी करके शिफ्ट 1, इसमें हम सबकी भलाई है। आर ओ ए आर ओ वाला अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे उनके लिए, तो आर ओ ए आर ओ वाले हम लोग की आवाज़ नहीं उठाएंगे यू पी सी एस वालों के लिए। तो ये दोनों शिफ्ट 2 दिन में कराएंगे, इसलिए हम लोग सब मिलकर 1 शिफ्ट 1 नारा हमारा रहेगा। और इसी के तहत हम सब जो हैं हक के लायक, जो हैं इस जॉब के लायक, उसको ये हक पूरा मिलेगा। मेहनत जो की है उसका हम लोग को परिणाम जरूर मिलेगा। और अब बात आती है कि ये 2025 में जाएगा कि पेपर यूपीसीएस वाला, वो तो आप जानते हैं। तो आरओ या आरओ दिसंबर में तो पक्का है, पक्का है, मेरी ये बात आप मान लो, ठीक है। यूपीसीएस का नहीं समझ में आया तो ये 2025 में हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आप दोनों की तैयारी, तो फिर आप आरओ या आरओ के लिए तैयार हैं, बाकी यूपीसीएस 1 दिन में करना है, आयोग के पास अब यही है। और आज बहुत ज़्यादा एक न्यूज चर्चा में चली है, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। काफ़ी सारे ग्रुप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में ये चर्चा चल रही है कि आयोग के पास इतना भयंकर प्रेशर पड़ा है कि आयोग अगले साल नहीं करवा पाएगा, इसी साल शासन के द्वारा उस पर कड़ी डांट पड़ी हो, इसी साल उसको पेपर कराना, मतलब 2025 में नहीं जाना। काफ़ी सारे लोग कह रहे 2025 में नहीं दोस्तों, आप फिर से भ्रमित हो जाएंगे, सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा।
2025 में पेपर नहीं है यूपीपीसीएस का, इसी दिसंबर में हो सकता है। तो आप लोग ये मत सोचे कि 2025 में जाओ तो आप यूपीपीसीएस की तैयारी को एकदम खलास कर दो। नो फ्रेंड्स, नो, ऐसी गलती मत करना। जैसी तैयारी आपकी महासंग्राम चल रहा, तो वो महासंग्राम आपको एग्जाम तक रखना है और लगातार कोशिश करते रहना, डेली मॉक टेस्ट देना, डेली आपको अपनी जो आई बात बता दें। काफ़ी सब लोग कहते हैं अब आ जाएगा, अब मैं तैयारी, अब तैयारी, ऐसी तैयारी, तो आप लोगों ने नहीं कर पाई, मेरी तैयारी अधूरी रहेगी। आप कुछ नहीं हो पाएगा, जिसने कर ली वो कर ली, मॉक टेस्ट इतने दो कि आप सफल हो जाओ। फ्रेंड, तैयारी अपनी अभी कर लो, 2025 वाले 2025 26 27 होता रहेगा, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो अभी जो मौका है, आप दिसंबर ही माने, दिसंबर तक ही ऐसी तैयारी कर लें कि आपका कोई भी प्रियो आर ओ का हो, यूपीसीएस का सब क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप 25 वाला बिल्कुल भूल जाओ। काफ़ी सारे चैनल चला रहे हैं 25 में होगा, 25 क्योंकि उन्हें कोर्सेज बेचना है। इस सब चक्कर में मत पड़ो, 2025 वाला बिल्कुल मत सोचो, अभी सोचो दिसंबर में ही होगा यूपीपीसीएस, अभी की तैयारी करो। फ्रेंड्स, यही आपको एक जीत हासिल करेगा, आपको सफलता दिलाएगा। 2025 वाला बिल्कुल नहीं सोचो, दिसंबर का सोचो यूपीपीसीएस का, क्योंकि आयोग के पास कड़ी डांट पड़ी है शासन के द्वारा, उसको 2025 में नहीं अभी कराना, बस इतना सोच लो बस। और आप लोग अपनी तैयारी निरंतर करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, बेसिक अपना कंप्लीट कर लें, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करें, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक पॉइंट सब कुछ क्लियर करके रखें। ये मौका द्वारा नहीं आएगा। आपको हेल्पफुल लग रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम निरंतर आपकी क्लासेस लाते रहेंगे बस।